जो भगवत धर्म है वो कैसा होना चाहिए, तो संतों के द्वारा प्रतिपादित किया गया निर्मत सर अर्थात कैतव। कैतव कैसा? कपट रहित, जिसमें कोई कपट ना हो। हमारी भक्ति कैसी है कि जब कष्ट आता है तो भगवान के पास पहुंच जाते, दुख आता है तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, और कुछ मांगना होता है तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब सुख आया तो भगवान को भूल गए। हमारी भक्ति कैसी? कपट पूर्ण भक्ति, कपट से भरी हुई है। इसलिए कहा कि धर्म सबसे बड़ा वही है जो कपट रही। तो किसी के प्रति आप कोई कार्य करो, मन में बदले की भावना ना हो, परोपकार की भावना हो, कपट से रहित भक्ति हो। भगवान से मांगने से कोई मना नहीं करता, लेकिन खुल के मांगो। कहते ना कि बल विद्या बल बुद्धि विद्या देहू मही हरहू कलेश विकार। जब मांगना ही है तो खुल के मांग लो, जिस चीज की कमी है वो मांग लो। कपट से क्यों मांग रहे हो कि मुख में कुछ और कहा कि नहीं प्रभु हम तो आपके दर्शन चाहते थे, और मन में इच्छा है कि बंगले गाड़ी मिल जाए। तो जो इच्छा वो मांगी उनसे। जब जब जो बालक होता है, जो संतान होती है, वो अपने माता पिता से ही मांगती है। तो हम सब उनकी संतान है। मांगने में कभी संकोच मत करिए, जो मांगना है उनसे मांग, लेकिन कपट से रहे। ऐसा ऐसी भावना नहीं हो कि मुख में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, और मन में कपट भरा। किष्किंधा कांड त्रेता युग में दो पात्र ऐसे हुए, एक है सुग्रीव जी, एक है हनुमान जी। सुग्रीव जी के पास जब कुछ भी नहीं था तो कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करिहौ सेवकाई, ए सब राम भगति के बाधक, कहां ही संत तब पद अवराधक। अर्थात महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब आपकी भक्ति में बाधा लाते हैं। भगवान ने कहा अभी नहीं है, इसलिए कह रहा है एक बार देख देख ले। भगवान ने सब कुछ दे दिया, सुग्रीव जी का राज, उनकी पत्नी, सब कुछ वापस कर दिया। तब क्या हुआ? भगवान कहते हैं कि सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। सब कुछ पा करके सुग्रीव ने मुझे भुला दिया, 4 महीने हो गए भगवान को याद नहीं किया। वही हनुमान जी की बात आई, हनुमान जी से कहा कि कहो हनुमत तुम्हें क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आप चाहिए। तो जो आप भगवान से चाहेंगे भगवान आपको देंगे, लेकिन मन में कपट रख करके नहीं। और ऐसे भगवत धर्म का जब हम पालन करते हैं तो एक ना एक दिन ये मन भगवान में अवश्य लग जाता है, पूर्ण रूप से उन्हें पे समर्पित हो जाता है। पूर्ण रूप से हम उन पे समर्पित हो जाते हैं। एक और उदाहरण है, गोपियों का उदाहरण देख लीजिए। गोपियों की भक्ति कैसी है? कपट से रहित है। एक बार भगवान के पेट में, द्वारिकाधीश के पेट में दर्द हो गया, बहुत सी दवाइयां कराई लेकिन ठीक नहीं हुआ। बोले ये जो बीमारी हुई है इसका इलाज क्या है? बोले इलाज एक ही है, कोई भक्त अपने चरणों को धो करके पिला दे तो हमें इस तकलीफ से मुक्ति मिल जाए। अब सबने सोचा कि ये तो परम पिता परमेश्वर, इनको यदि अपने चरणों की चरणामृत पान कराई, जो स्वयं इनके चरणों का पान भोले ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु है सब पान करते हैं, उन्हें यदि हमने अपने चरणों का चरणों तक पान करा दिया तो नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए कोई तैयार नहीं। नारद जी ने हर जगह चक्कर लगा लिया, कोई तैयार नहीं हो। भगवान ने कहा कि नारद जी यहाँ क्या ढूंढते हो, ब्रज में जाओ, वहां मेरे चाहने वाले हैं।
वास्तविक प्रेम करने वाले तो ब्रज में हैं। नारद जी आए, गोपियों ने पूछा कि नारद जी कहिए प्रभु कैसे हैं, हमारे नाथ कैसे हैं। कहा क्या बताएं, काफी दिनों से पेट में दर्द है। बोले इलाज नहीं कराया, सब कुछ करा लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा। बोले ऐसी कौन सी दवा है जो नहीं मिल रही। बोले एक ही दवा है, किसी भक्त की यदि चरणों तक मिल जाए तो हम भगवान को पान करा दे और उनका कष्ट दूर हो जाए। गोपियों ने कहा इतनी सी बात, सारी गोपियां हजारों लाखों पैर एक साथ सामने आ गए और कहते हैं जितना धोखे ले जाना हो ले जाओ। बोले हे देवियों, आप उस परम ब्रह्म को, इस ब्रह्मांड के मालिक को अपने चरणों तक पान कराओगी, ऐसा करने से आपको नरक की गति मिलेगी। गोपियों ने कहा कि हमारे प्रियतम खुश हैं, हम उसी में खुश हैं, क्योंकि उनके खुशी से बढ़कर के हमारे लिए कोई खुशी नहीं है। शीश के मोल मिले तो ले लूं, प्रीतम के दुख सारे, उन प्राणों की चिंता क्या जो प्राणनाथ परवारे। फिर उन प्राणों की चिंता नहीं है नारद जी, जो हमने उन पर वार दिए। मैं तो कहती हूं कि हर जन्म में नरक मिले, लेकिन मेरे प्राणनाथ के कष्ट दूर हो जाए। तो गोपियों का प्रेम भी ऐसा प्रेम है, इसलिए भगवान को ब्रजवासी इतने प्रिय हैं कि आज भी वो उनके लिए जान लुटाते। भगवान कोई नहीं कहता ब्रज में उनको, सब लाला ही कहते हैं। हमारा तो लाला है जी। तो ऐसे भागवत धर्म का निरूपण करते हुए बारंबार इसका आस्वादन कीजिए, इसका पान कीजिए। बोले कितनी बार करें, जब तक इस देह में चेतना है, ये आत्मा है, तब तक पान करें। और जब ये देह से ये चेतना रूपी आत्मा निकल जाए उसके बाद भी पान करो। संत जन तो कहते हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें बार बार ये जीवन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये मनुष्य देह ही है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की कथा श्रवण कर सकता है, उनके गुणानुवादों को सुन सकता है, गा सकता है। देवता भी इसके लिए तरसते, इसलिए बार बार पान करिए। पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहुर सिकाभु विभावुकाः। रसिक और भावुक ही इसका पान कर सकते हैं, जिनमें